नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे इंसर्शन ऑपरेशंस का लीनियर एरे पे अप्लाई करके देखेंगे उसको। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रेवर्सिंग ऑफ लीनियर एरे के बारे में देखा था, जिसका वीडियो लेक्चर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां से भी जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंसर्शन ऑपरेशन ऑन लीनियर एरे। तो कुछ यहाँ पर लिस्ट हमने ऑपरेशंस का लिख रखा है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिटेल में बताया था वन बाय वन। तो ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, आज हम देखेंगे इंसर्शन ऑपरेशन। इंसर्शन ऑपरेशन जनरली किसी भी लीनियर एरे में आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, उसी को हम देखेंगे। तो यहाँ पर डिफिनेशन क्या कहता है, इंसर्शन रेफर टू ऑपरेशन एडिंग एन एलिमेंट टू लीनियर एरे। किसी एलिमेंट को अगर लीनियर एरे में ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे। देयर आर थ्री केसेस हियर। फर्स्ट वन इज इंसर्ट एन एलिमेंट एट बिगिनिंग ऑफ एरे। अब जो इंसर्शन है, इंसर्शन करते टाइम यहाँ पे तीन केस आपको आ सकते हैं। हम सिनारियो पहले आपको समझाते हैं। सबसे पहले समझिए कि कोई आपका एरे दिया हुआ है, ये एरे दिया हुआ 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं, जैसे सपोज कीजिए एलिमेंट है यहाँ पे 10 20 15 12, इस तरह से एलिमेंट आपके पड़े हुए हैं। अगर हम इंडेक्सिंग देखें तो फार समझने के लिए हम थोड़ा सा इंडेक्सिंग इजी कर रहे हैं। यहाँ पे इंडेक्सिंग हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एरे है जिसमें देखें तो 6 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, क्योंकि ये एरे 6 साइज का है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटली कितने स्टोर हैं, 4 एलिमेंट स्टोर हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं 2 एलिमेंट का मेमोरी अभी है जो कि इस एरे में स्टोर कर सकता है। ध्यान दीजिए, इंसर्शन तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे फ्री होगा। अगर सपोज करो ऑलरेडी कोई एलिमेंट, सारे एलिमेंट यहाँ फिल हैं, कोई भी यहाँ पे फ्री नहीं है मेमोरी, तो इस पर कोई भी इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। तो हमने इसलिए सिनारियो बनाया ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे अभी 2 लोकेशन फ्री है, मतलब 2 एलिमेंट और इंसर्ट हो सकते हैं। तो कैसे एलिमेंट होंगे, 3 केस यहाँ पे दिया हुआ है। पहला बोला इंसर्ट एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ एरे। बिगिनिंग ऑफ द एरे मतलब जो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे बोल रहा है कि अरे मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है। अब जब यहाँ पे इंसर्ट करना है, यहाँ पे ऑलरेडी आइटम है, जब एलिमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है तो यहाँ पे इंसर्शन कैसे होगा। तो इसके इंसर्शन के लिए जो प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं, इस साइड से 1 बाय 1 हर एलिमेंट को एक पोजिशन शिफ्ट करते हैं बैकवर्ड में। कैसे, अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम कर दें 1 2 3 4 5 6, इसको हम इस लोकेशन मूव कर दें, मतलब 12 को हम 5th लोकेशन पर ले आएं, इसी तरह 5th को हम 15th को हम 4th लोकेशन पर ले आएं, इस तरह 20 को हम 3rd लोकेशन पर ले आएं, और 10 को हम 2nd लोकेशन पर ले आएं। हमने क्या किया, एक एलिमेंट एक लोकेशन सभी को हम डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पे लोकेशन फ्री हो गया। जब फ्री हो गया तो इंसर्ट एन एलिमेंट एट बिगिनिंग का मतलब क्या है, अब सिंपली यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हम इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज आपको 11 इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 11 इंसर्ट कर सकते हैं, 11 10 20 15 12, और लोकेशन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पे कंसेप्ट समझिएगा कि स्टार्टिंग कितने एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट थे, मतलब n की वैल्यू अगर यहाँ पे सपोज करो n एलिमेंट था, तो जब हमने शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद अभी भी यहाँ पे 4 एलिमेंट ही हैं, लेकिन जैसे हमने एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट किया फर्स्ट लोकेशन पे बिगिनिंग एरे के बिगिनिंग में, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+1, मतलब एलिमेंट आपका एक एलिमेंट बढ़ गया, एरे की साइज एक ज़्यादा हो गई, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड है इंसर्शन एट एलिमेंट एट द एंड ऑफ एरे। एंड ऑफ एरे का मतलब भी यहीं पर समझ लीजिएगा, सिंपली अगर आपको एरे दिया हुआ है इस तरह से, यही एरे जो हम इसी को लेते हैं, यहाँ बोला कि इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड। एंड मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे एंड कर गया, मतलब यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे इंसर्शन के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्लैंक है, तो शिफ्ट कोई भी एलिमेंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे इस लोकेशन में, मतलब यहाँ पे जाएगा 10 20 15 12, और जो भी एलिमेंट सपोज यहाँ 11 इंसर्ट करना है तो 11 इंसर्ट कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा लोकेशन 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, n+1, मतलब एक साइज इसकी क्या हो गई, पहले 4 एलिमेंट थी, अब एलिमेंट कितनी हो गई, n+1, मतलब 5 एलिमेंट हो गया।
यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि जो हमने डाउन डाउनवर्ड या हम शिफ्ट कर रहे थे, यहाँ पे किसी भी शिफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी। थर्ड है इंसर्ट एन एलिमेंट एट गिवन लोकेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है, किसी भी लोकेशन पे अगर इंसर्ट करना है, जैसे सपोज करो कि हम बोल दें इस एरे में बिगिनिंग में ना ना तो मुझे एंड में, मुझे इंसर्ट करना है इस लोकेशन पे, थ्री लोकेशन पे, तो यहाँ पे तब एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये आपका जनरली जो थर्ड वाला केस है, इस वाले केस को हम अप्लाई करके बाकी सारे को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिंपली फार्मूला बेस है, एल्गोरिथम पे कंसेप्ट बेस है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इजीली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो कैसे होता है देख लेते हैं। यहाँ पे पहले कंसेप्ट, सपोज कि यहाँ पे बोला कि थर्ड लोकेशन पे इंसर्ट क्या करना है, आइटम 11 इंसर्ट करना है, लोकेशन दे दिया थ्री पे इंसर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, इस साइड से स्टार्ट करेंगे अपर बाउंड साइड से और एक एक एलिमेंट शिफ्ट करते रहेंगे हम डाउन तक, कब तक, जब तक कि दिया हुआ लोकेशन न पहुंच जाए। मतलब कि हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इस वाले को हम इस पोजीशन पहुंचा देंगे, मतलब कि 12 आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5th आ जाएगा फिफ्थ पोजीशन पे, और थर्ड वाला, थर्ड लोकेशन दिया है मतलब थर्ड तक आएंगे, थर्ड वाला आ जाएगा फोर्थ लोकेशन 15 आ जाएगा, और इस पे हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा 10 20 यहाँ पे रहेगा। तो अब देखिए क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट एक डाउनवर्ड शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एलिमेंट आपका यहाँ पे फ्री हो गया। अब जब यहाँ पे फ्री हो गया तो इस एलिमेंट को हम इस दिए हुए लोकेशन पे, क्योंकि लोकेशन आपको थ्री दिया हुआ था, इस लोकेशन पे एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे और आपका सिनेरियो क्या हो जाएगा 10 20 11 15 और 12, 1 2 3 4 5 6 अगेन जब इंसर्ट होगा, जाहिर सी बात है अगर आपका स्टार्टिंग में n एलिमेंट है तो इंसर्शन के बाद कितना हो जाएगा n+1 एलिमेंट। तो होप सो आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एल्गोरिथम साइड और चेक करते हैं कि एल्गोरिथम कैसे काम करेगा इस पे। इंसर्ट लीनियर एरे, एक आपको लीनियर एरे दिया होगा, मीन्स जैसे यहाँ पे एरे दिया हुआ है यही आपको हम ले लेते हैं लीनियर एरे, ठीक है। इसी एग्जांपल में हम समझा देते हैं एल्गोरिथम ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। और n, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 एलिमेंट है यहाँ पे। k, k मीन्स लोकेशन, किस लोकेशन पे इंसर्ट करना है, सपोज फॉर एग्जांपल हम अगेन ले रहे हैं मुझे इंसर्ट करना है 3 पे ही, लोकेशन हमने ले लिया k इज इक्वल टू 3 पे मुझे इंसर्ट करना है। और आइटम, क्या आइटम इंसर्ट करना है, आइटम इंसर्ट करना है सपोज हमने ले लिया आइटम इज इक्वल टू 16 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिनेरियो आपका बन गया। सेट j इज इक्वल टू n, हमने एक वेरिएबल लिया j, हमने एक वेरिएबल क्या लिया j, और सेट क्या लिया इसकी वैल्यू किससे, n से, n मतलब कितना है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। रिपीट स्टेप 3 एंड 4 वाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, k की वैल्यू कितनी है 3, तो हम इस स्टेप को 3 और 4 को तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि j की वैल्यू k से ग्रेटर या इक्वल है। क्या करना है, अगर पहला केस देखें तो देखिए क्या j की वैल्यू कितनी है 4 और k की वैल्यू कितनी है 3, तो सबसे फर्स्ट केस में कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि j इज ग्रेटर देन इक्वल टू k आ रहा है, कंडीशन ट्रू है तो आएगा स्टेप 3 एंड 4 पे। कंडीशन 3 एंड 4 देखिए क्या कर रहा है, सेट लीनियर एरे j+1 मतलब j की वैल्यू देखिए कितना रखा, j की वैल्यू 4 मतलब यही तो j है, इसकी वैल्यू क्या करा j+1, अब j+1 मतलब इस लोकेशन की बात कर रहा है, इस लोकेशन पे ये लीनियर एरे j की जो वैल्यू है इस लोकेशन पे आ जाएगा, मतलब सिनेरियो आपका बन जाएगा 10 20 15, और यहां पे ब्लैंक हो जाएगा और यहां आ जाएगा 12, ठीक है। और j की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, j इज इक्वल टू अपडेट होके हो जाएगी j-1 मतलब 3। अब अगेन आइए, अगेन जब आएगा चेक करेगा j इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, j की वैल्यू k के इक्वल या ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू हो रहा, फिर कंडीशन हो रहा तो क्या करेगा, lj+1 इज इक्वल टू laj, लीनियर एरे j, j की वैल्यू कितनी है 3 मतलब 1 2 3, और यहां पे अब j की वैल्यू यही लेके चलेगा, तो j की वैल्यू क्या किया, लीनियर एरे j+1 मतलब कि इस लोकेशन की बात कर रहा है, इस लोकेशन पे l लीनियर एरे j मतलब इसकी वैल्यू इस पे इंसर्ट कर देगा, यहां पे पुट कर देगा, तो आपका सिनेरियो क्या हो जाएगा 10 20
यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ ब्लैंक हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 15 और 12, ठीक है। बाकी जो आपको लोकेशन है कुछ इसी तरीके से होंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ 6 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी अगर ले तो 3, 4, 5, 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, अब मुझे क्या बोल रहा था, अब j की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, j इज इक्वल टू j माइनस 1, मतलब j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। जब j की वैल्यू 2 होगी तो आप देखेंगे व्हाइल कंडीशन ये वाला फेल हो जाएगा, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, फेल हो गया मतलब इस लूप से बाहर कहाँ आएगा, यहाँ पे सेट लीनियर एरे के, लीनियर एरे के k की वैल्यू कितना दे रखा है, 3, मतलब लीनियर एरे 3 इस लोकेशन पे क्या करेगा, इक्वल टू आइटम, आइटम की वैल्यू मीन्स जो भी आइटम दिया होगा, सपोज यहाँ 16 दिया है तो 16 यहाँ इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट करते ही अगर स्टार्टिंग, अब देखिए इंसर्ट करने के बाद एन, एन की वैल्यू यहाँ पे सपोज जितना भी था, यहाँ पे एक इसकी साइज क्या हो जाएगी, एन प्लस 1, मतलब स्टार्टिंग में अगर 4 था तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, 5 एलिमेंट, और इंसर्ट होने के बाद यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। तो सिंपल ये प्रोसेस था, ये एल्गोरिथम था, इजी है, अगर आप स्टेप से यहाँ देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक और अब इम्पॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पे हम कम्प्लेक्सिटी की, टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम इंसर्ट एंड एलिमेंट एट बिगिनिंग कर रहे थे, मतलब जब हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे थे तो जितने भी एलिमेंट थे सारे एलिमेंट को हम एक डाउनवर्थ में शिफ्ट कर रहे थे, मतलब कि जो ऑपरेशन परफॉर्म करना था डाउन करने का वो कितने टाइम्स होगा, एन टाइम, जितने एलिमेंट थे सबको तो सर से हम डाउन कर रहे हैं, डाउनवर्थ में शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब इस टाइम आपका लेगा बिगो एन टाइम, और इसी को हम कहते हैं वर्स्ट केस। वर्स्ट केस, वर्स्ट केस मतलब जब मैक्सिमम टाइम ले, जब मैक्सिमम टाइम है तो उस टाइम वर्स्ट केस होता है। इंसर्ट एट द इंड ऑफ द एरे, इंड ऑफ द एरे मतलब कि अगर यहाँ पे ऑलरेडी जहाँ पे इंड करना है, एरे के लास्ट में इंसर्ट करना है, तो उस टाइम मैंने बताया था कि वहाँ पे एक भी एलिमेंट आपको मूव करने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट नहीं करनी, जो तो सिंपली केवल मुझे इंसर्ट करना है। जब सिंपली इंसर्ट करना है तो कितना टाइम लेगा, बिगो 1, इसको हम कहते हैं बेस्ट केस। बेस्ट केस मतलब केवल केवल एक टाइम लेगा अगर मुझे इंसर्ट करना है एंड में। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि गिवन लोकेशन पे, तो गिवन लोकेशन में आपका लाइक करता है एवरेज केस, एवरेज केस, और ये डिपेंड करता है कि लोकेशन कहाँ है। अगर लोकेशन लास्ट एलिमेंट है तो केवल 1 टाइम लेगा, अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो एन टाइम लेगा। तो इस तरह से एवरेज केस भी देखें तो वहाँ पे बिगो एन हम लेके चलते हैं, क्योंकि एवरेज केस में कोई डिपेंड करता है वो कि कितना लोकेशन दिया गया है, हम वहाँ पे भी एज्यूम करके चलते हैं कि एल बिगो एन टाइम ही लेगा। तो इस तरीके से आपका एल्गोरिथम्स है और कंसेप्ट है, होपफुली समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन की, डिलीशन की। थैंक यू सो मच।